हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? मेरे दोस्तों ने जो है सीटेट का ये फॉर्म भरा है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनका एडमिट कार्ड जो है वो निकल चुका है 2018 का। और ये जो है फॉर्म आपको पता ही है 1.5-2 साल बाद निकला है, और मेरे फ्रेंड्स तैयारी भी कर रहे होंगे इसकी। तो आप ये देख लें कि कैसे कैसे ये डाउनलोड करना है फॉर्म, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे ये डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको अपने चैनल पे भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है इस पेज पे चले जाओगे। यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड आया है, दो प्रोसेस बताए हैं। एक बताया है डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, जो आपने भरते समय एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड रखा होगा, या फिर आपने सीधा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये इस पेज पर ले जाएगा। जैसे ये पेज है, आप अगर इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर डालना है, और ये जो और एंटर सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन नीचे दे रखा है, तो यही आपको इसमें एंटर करना है, और साथ में सबमिट का बटन दबा देना है। जब आप सबमिट का बटन दबाओगे, उसके आगे एक और पेज निकलेगा, उसमें लिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लेना है, तो आपके वो स्क्रीन पे पूरा का पूरा निकाल देगा। फिर आप उसका जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप इस तरह जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 9 दिसंबर को है, आपको पता ही होगा, डेट भी निकल चुकी है, 9 दिसंबर को इसका पेपर है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये जो है हो रहा है इस बार, और 2 साल बाद हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि ये कोई भी सेंट्रल आपको जॉब चाहिए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से देना, क्योंकि 2.5 घंटे होते हैं पेपर के लिए, तो जो आपको अच्छे से सेक्शन आता होगा वो सबसे पहले करना, उसके बाद दूसरे सेक्शंस को पकड़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेज करने नहीं आता, जिसकी वजह से ये पेपर जो है आधा अधूरा रह जाते हैं। आपको पता ही है इसमें 90 मार्क्स चाहिए चाहिए पास होने के लिए, और 7 ईयर के लिए वैलिड है ये। तो ध्यान से ये पेपर देना, कोई जल्दबाजी मत करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।